मेरा नाम फरजाना है और वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी में एज अ फीमेल टूरिस्ट गाइड मैं 8 साल से काम सर अंजाम दे रही हूँ। तितली गेट एक ऐसा दरवाज़ा है जो कि 12 दरवाज़ों का एक ऐसी एंट्रेंस हुआ करती थी जहाँ से जो रॉयल गेस्ट हैं वो एंटर होते थे और इसी रास्ते से वो शाही किले की तरफ जाते थे। और दिल्ली दरवाजे का यही जो एक रास्ता पड़ता है इसको शाही गुजरगाह का नाम दिया गया रॉयल ट्रेल के नाम से। अगर दिल्ली गेट की बात की जाए इट्स फेसिंग तो दिल्ली सिटी के इंडिया दिल्ली सिटी की तरफ फेस करता है और जबकि वहाँ पे भी एक ऐसा दरवाज़ा है इंडिया में जो कि लाहौर की तरफ फेस करता है और उसको लाहौरी दरवाज़ा बोलते हैं। तो मोस्टली जितने भी रॉयल गेस्ट आते थे उसी रास्ते से उसी दरवाजे से निकल के दिल्ली गेट आते थे और दिल्ली गेट से वज़ीर हाल मस्जिद तक जाते थे और फिर आके वो शाही किला जाया करते। रॉयल ट्रेल शाही गुजरगाह इसलिए कहा जाता है कि शाही लोग जब शाही किला जाते थे ना तो यही रास्ता इख्तियार करते थे, इस लिहाज से इसको शाही गुजरगाह का नाम रॉयल ट्रेल के नाम से जाना जाता है। अभी के और भी रास्ते हुआ करते थे जैसे भाटी हो गया भाटी दरवाज़ा, वहाँ से मुल्तान की तरफ को रास्ता निकलता था, कश्मीरी दरवाज़ा कश्मीर की तरफ से रास्ता निकलता था, इसी तरह से इसको दिल्ली दरवाजे का नाम भी दिया गया क्योंकि ये दिल्ली की तरफ रुख करता था। ये मुग़ल दौर में अकबर बादशाह ने अंदरून शहर के 12 दरवाजे बनाए थे और इस दरवाजे को ब्रिटिश टाइम पे रीबिल्ड किया गया था। ये जब रीबिल्ड किया गया उसको ऐसी एक शक्ल दी गई जहाँ पर पुलिस की चौकी भी हुआ करती थी, इस कमरों के ऊपर मजिस्ट्रेट भी बैठा करते थे और सामने भी कुछ कमरे जो आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जो क्राफ्ट घर के नाम से जाना जाता है, ये म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स यहाँ पे बैठा करते थे और जो कि टूरिज़म डिपार्टमेंट जहाँ पर बैठता है यहाँ पर पुलिस की चौकी हुआ करती थी। ये ब्रिटिश टाइम की बात थी। इस दरवाज़े से जैसे ही अंदर दाखिल हो तो आपको शाही हमाम देखने को मिलता है जिसको वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी और आगा खान कल्चर सर्विस और पाकिस्तान दोनों की कलाब्रेशन से यहाँ पे काम किया गया, जबकि नॉर्वेजियन एम्बेसी ने यहाँ पे फंडिंग भी की और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत काम किया गया शाही हमाम में, जो कि 21 रूम्स पे एक हमाम बनाया गया था जिसमें 8 ठंडे पानी के कमरे हुआ करते थे, 8 गर्म पानी के और 5 उस दौर में स्टीम बात भी हुआ करता, जो कि अंदरून शहर का अगर नाम लिया जाता है तो शाही हमाम के नाम से भी जाना जाता है कि अंदरून शहर में भी ऐसे हमाम हुआ करते थे जहाँ से शाही लोग आके फ्रेश हुआ करते थे। शाही हमाम 1634 में शेख हिलमुद्दीन अंसारी ने बनाया था जिनको वज़ीर खान के नाम से जाना जाता है और उनको एक टाइटल वज़ीर खान का मिला था मुग़ल दौर में शाहजहां के ज़माने में। ये बहुत छुप गया था काम, जब आगा खान ने इसको रिस्टोर किया उस टाइम कुछ एक्सपर्टीज ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाए गए, श्रीलंका से भी मंगवाए गए, मुख्तलिफ मुल्कों से, अब गलियां हैं यहाँ की, जर्मनी से भी एक्सपर्टीज आए थे उन्होंने यहाँ पे काम। वॉल सिटी अथॉरिटी जो है उन्होंने पैकेज 1 पे दिल्ली गेट से कतवाली चौक तक काम किया, पैकेज 2 पे कतवाली चौक से रिम मार्केट तक काम किया, अब पैकेज 3 पे काम स्टार्ट उन्होंने कर तो दिया है जो कतवाली चौक से रंगमहल चौक तक जाता है जिसके अंदर सुनहरी मस्जिद पे भी काम होगा, बाउली के ऊपर भी होगा और घरों के ऊपर भी होगा, मार्केट्स जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको रिमूव की जाएंगी। बिल्कुल जैसे अब शाही हमाम की बात कर ले तो शाही हमाम पे 52 शॉप्स को रिमूव किया गया क्योंकि शाही हमाम का व्यू डैमेज हो रहा था
उसको रिमूव किया गया। वज़ीर खान मस्जिद की अगर बात करें तो 72 शॉप्स को वहाँ से रिमूव किया गया। टूरिस्ट तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि उसको देखने के लिए अंदरून में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलती हैं, पुराने घर मिलते हैं, गलियाँ ख़ासतौर पे वो खुश होते हैं कि तंग तंग गलियों से जाके, क्योंकि वो आपको अंदरून में ही नज़र आएंगी। बाकी आप पाकिस्तान के किसी भी जगह पे चले जाएँ आपको इतनी जो कि अंदरून हर शहर के अंदरून में तंग गलियाँ मिलती हैं। टूरिस्ट जो है वो उससे हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मसला आता है वो ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक जो है उसको आते हुए या रास्ते में या जैसे अंदरून से थोड़ा बाहर निकले ट्रैफिक, जैसे कि यहाँ पे मार्केट्स हैं अपरी मंडी, वहाँ पे हर वक्त रश होता है, तो इस तरह से बस टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आके थोड़ा सा परेशान। घरों को एज अ रेस्ट रूम जिस तरह बनाया जाता है, या फिर उनको ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे टूरिस्ट जो है आउट ऑफ सिटी से आके वहाँ पे एक या दो दिन ठहर सके और यहाँ के ही सारे टूर्स कर सके। अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमारा ये प्लान है, तो देखें ये हमारा कामयाब होता है। बाइक्स जो हैं वो इजीली आ सकती हैं, साइकिल्स आ सकती हैं, रिक्शाज आ सकते हैं, लेकिन रिक्शाज जो हैं वो गलियों में नहीं जा सकते। तो अब नेक्स्ट हमारा टूरिस्ट के लिए प्लान है, जैसे पीसी हो गया, एम्पोरियम हो गया, पैकेजेस में हो गया, वहाँ पे हम टूरिस्ट बसेस वहाँ पे रखें, वो टूरिस्ट उसमें बैठ के अंदरून की तरफ आएं और अंदरून विज़िट करें और वापस भी वहाँ पर। अब जैसे जिमखाना क्लब, वहाँ पे हमारी बसेस जाती थी और सैटरडे नाइट को वहाँ से टूरिस्ट को लेके शाही किला पर जाया करती हैं और वहाँ पे हिस्ट्री बाय नाइट से बड़ा खूबसूरत इवेंट होता है जिसमें ढोल प्लेयर्स आते हैं, बड़ा अच्छा सा एक शाही एक माहौल बनता है, तो वो उनको टूरिस्ट उसको भी बड़ा इंजॉय करते हैं। और आने वाले दिनों में है कि हम अंदरून में भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। हम वर्ल्ड सिटी लाहौर के ऑफिस में हैं, ये टूरिज़म का ऑफिस है दिल्ली गेट के साथ बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये ऑफिस है। तो अभी हमारी जो बातचीत चल रही थी वो मैम फरजाना से चल रही थी और बहुत ही अच्छा इन्होंने ब्रीफ किया हमें टूरिज़म के हवाले से और जो आने वाले वक्त में आने वाले दौर में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है जो टूरिज़म के लिए जो एक टूरिस्ट है जो बाहर से इंटरनेशनली पाकिस्तान में आना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छे प्लान रखता है अपने पास। ख़ास तौर पे जो आइडिया बड़े अच्छे से मेरे माइंड में भी था कि एक टूरिस्ट जो है वो बाहर से आके बड़े बड़े होटल्स में या सरीना में वहाँ आकर वो रुकता ठहरता है ऐसे पुराने दौर को देखने के लिए, तो ऐसे उसके लिए यहाँ ही पे ऐसे अकोमोडेशन होने चाहिए कि वो अपना जो वक्त है अपना जो टूर है उसको टोटली यहाँ आके इस पुराने एरा में आके गुजारे और वो मज़े ले सके उस पुराने शाही दौर के कुछ। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया है कि वर्ल्ड सिटी का जिसका जो बड़ा हमारा ताउन किया उनकी टीम ने यहाँ पे दिल्ली गेट में और बहुत कुछ एक आम टूरिस्ट के लिए उसने इसको बड़ा आसानी के साथ एक्सप्लेन किया। तो साथ रहिए, बंधे रहिए हमारे साथ। मज़ीद वर्ल्ड सिटी की जो चीज़ें हैं वो हमारी वेबसाइट पे लोड हो जाएंगी, आप उसको देखिए।